Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम गुरचरण सिंह राजू है और मैं कृष्णा नगर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। करंट में पूर्व निगम पार्षद में रहा। शुरू से राजनीतिक सेवा के अंदर मैं दिलचस्पी रही और बड़ा प्यार लोगों को मिला, बड़ा सम्मान मिला। और जब मैं 5 साल काउंसलर रहा तभी मुझे अच्छा मौका मिला काम करने का और सेवा की हमने मिलकर यहाँ पर। आज हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत देश हमारा देश है और हम इसके लिए वफादारी हमारी। इस देश में कोई नुकसान होता है तो हमारा होता है, इस देश का फायदा होता है तो हमारा होता है। तो ये देश सबका है, इस देश को सबको लेकर चलना पड़ेगा। इस देश को आजाद कराने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने अपना योगदान दिया। आज हम सब साथ खड़े हुए हैं। धर्म सारे एक है, भगवान एक है, हमारी मानने की धारणा अलग हो सकती है। June 16, 1965 को मेरा जन्म हुआ, पुरानी दिल्ली में ही मछली वाले अस्पताल में, मम्मी बताती हैं। और मेरा स्कूल दाऊदल आर्यवैदिक स्कूल है, वहीं नए आवास में, वहाँ पर मैंने स्कूलिंग करी। कॉलेज मैंने फिर प्राइवेट मैंने किया वहाँ से। तो इस तरह से हमारा जीवन का सफ़र रहा है ये छोटा सा। मैं पैदा ही फ्रीडम फाइटर परिवार में हुआ। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, सरदार स्वरूप सिंह उनका नाम था। पाकिस्तान से वो जब आए थे तो उन्होंने बड़ा उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन के अंदर, बहुत संघर्ष करके उन्होंने काम कर हम सबको आगे लेकर गए और बड़ा अच्छा एक सोच हमको दी, एजुकेशन दी, सोच दी, जिसके अंदर हम सब लोग आगे बढ़े। और पुरानी दिल्ली में हम निवास करते थे और वहाँ पर उनके नाम से आज एक चौक का नाम भी है, सरदार स्वरूप सिंह चौक। जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद में वहाँ पर लोगों ने चौक का नाम रखवाया। वो एक सच्चे समाज सेवी थे और उन्होंने कभी भी कुर्ता पजामा के अलावा दूसरे कपड़े नहीं पहने। और वो कुर्ता पैजामा, वाइट कुर्ता पहनना और लाल पगड़ी पहनना, ये उनका होता था। और वो हमेशा समाज अपने सुबह सुबह उठ के अपने काम जाना और बीच में जो टाइम होना अपने सेवा करनी, खुद जाकर कांग्रेस की लिस्ट जो होती थी घर घर जाते थे, घर घर जाकर खुद चेक करना, मतलब एक वर्कर की तरह काम किया उन्होंने। कभी भी ये नहीं कि मैं थोड़ा सा ऊपर कोई मान सम्मान मिला तो मैं 20-22 साल वो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे वहाँ पर पुरानी दिल्ली के अंदर। लगातार बनना वो बड़ी कम बात नहीं थी उस टाइम में। और पार्टी ने उनको सम्मान दिया, पार्टी के अंदर उन्होंने पूरा मान सम्मान रहा। नेहरू जी साथ में रहे तो उन्होंने काम किया, उन्होंने अच्छा, उनकी प्रेरणा से हमने वो सोच ली, एक अच्छी सोच मिली, उसके साथ काम करते रहे। मेरी माता जी का नाम हरजीत कौर, प्यार से उनको शांति कहा करते थे। शांति के नाम से हमने कंपनियाँ भी दूसरे खोल रखी हैं, चल रहा है उनके नाम से। उनके नाम में प्रेरणा है और उनके नाम में ताकत है, उनके नाम में एक आशीर्वाद के रूप में हम जो देखते हैं वो बड़ी ताकत है उनके बीच में। उनकी प्रेरणा वो बहुत सीधी सी है, बहुत सीधी सादी सी है। उन्होंने हमारे फादर के साथ में मिलकर काम किया और मैं देखता था जब हम मक्खन का काम था हमारा तो वो रात भर ने खुद पैकिंग करा करती थी मक्खन के साथ में। उनके साथ में बड़ी मेहनत की उन्होंने। और उनको सुबह उठना और नंगे पैर शीशगंज गुरुद्वारे जाना, अब थोड़ा सा बुजुर्गी है तो नहीं चल पाते ज़्यादा, तो अब उसमें गाड़ी में लड़का ले जाता है या स्कूटर बैठा के ले जाता है, तो उनको मत्था टिका के लाता है वहाँ से। और बड़ा उनका पाठ करना, सुबह उठना अपना पाठ करना, थोड़ी देर छोटे भाई के पास दुकान है नीचे, 1 घंटा आगे उस पर बैठ जाना, फिर अपना जाके शाम को पाठ सुनना, रात को अपना पाठ करके सोना, ये उनका दिनचर्या है। और बड़ी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी सोच रखो, अच्छा काम हमें करना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम 4 भाई थे, एक सिस्टर थी, सिस्टर की डेथ हो गई थी। भाई हमारे सुरेंद्र सिंह जी में सबसे बड़े ब्रदर थे, अभी भी उनकी 1.5-2 महीने पहले ही डेथ हो गई हार्ट अटैक से। और एक मेरे बड़े मुझसे बड़े हैं कुलमोहन सिंह जी, फिर थर्ड पे मेरा नाम गुरचरण सिंह, छोटा भाई मेरा मनजीत सिंह वो भी है। तो वो अपने मतलब सबका अपने अपने मशीनरी काम उनका है, उनका अलग अलग काम सब किया हुआ है। हमने फ़ोन पर बातचीत चलती जाती है, होती रहती है, कोई भी एक दूसरे के सुख दुख में हम सब आपस में एक दूसरे साथ खड़े होते हैं। परिवार हमारा सब बिल्कुल एक है और भगवान की बड़ी कृपा है, कोई इस तरह का मनमुटाव नहीं है। फादर ने हमें पहले ही सबको उसको कर दिया था, कोई किसी के अंदर कोई लालच या किसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके अंदर कोई दिक्कत हो। सब अपने अपने कृपा से, भगवान की कृपा से, सब अपने अपने घर में
वो बढ़िया हैं, खुश हैं और सब अपना अपना काम बड़े अच्छे तरीके से अपने ढंग से कर रहे हैं। अपना परिवार उनका सबका अच्छा अच्छा चल रहा है। भगवान की कृपा से समाज की सेवा के लिए छोटा मोटा काम जो जो सेवा मिल जाती है वो हम करने का प्रयास करते हैं। लॉकडाउन के अंदर भी मैंने सैनिटाइजेशन का काम मुझे करने को मिला कि भाई सैनिटाइजेशन करनी चाहिए कि लोगों को जो जिस तरह बीमारी हमारी फैल रही थी, जो मशीनें मैंने अपनी ली, सब लोग जब मंगाने लगे मशीनें तो मैंने अपने घर मंगाई तो वो मुझसे 15,000 रुपये मांगने लगा सैनिटाइज करने के लिए। तो मैंने फिर मशीन का पता किया, मशीन मंगाई मैंने फिर अपनी, फिर मैंने कॉलोनी वाइज उसको कराना शुरू किया। मैंने सारे अपने वार्ड में, सारे अपने जिसमें पूरे विधानसभा में, दूसरी जगह भी किसी ने मांगा, किशनगर में भी मैंने मांगा, दूसरी जगह कहीं और शादरा वालों ने मांगा, तो मैं सब जगह वो गाड़ी मैंने भेजी। फिर मैंने अपना ही एक स्कूटर बनवा दिया कि चलो भाई इसमें कोई भी काम हो, सैनिटेशन का हो। फिर हमने यहाँ लंगर अपना लगाए रखा था क्योंकि काफ़ी लोगों को खाना उस टाइम नहीं मिल रहा था। सूखा खाना हमने देने की कोशिश, सूखा राशन भी जो था वो जहाँ जहाँ जरूरत थी वो हम देना शुरू किया। दिल्ली प्रदेश में हमारा हेड ऑफिस बना हुआ था, वहाँ से लोगों को फ़ोन आता था, वो बताते थे कि भाई यहाँ पर आज इसकी रिक्वायरमेंट है, गांधीनगर में रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर लोग मजदूर फंसे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो हम कच्चा खाना पक्का खाना जो भी होता था हम उनको भेजवाया करते थे वहाँ पर। तो हमने यहाँ पर पूरा, मैं समझता हूँ 3 महीने हमने यहाँ पर पूरा लंगर का सेवा जो थी वो हम चलाते थे। यहाँ पर सुबह और शाम को दो हमारा चलता रहता था, कुछ सुबह चलता था कुछ कुछ शाम को करते थे। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो खाना आता था वो ख़त्म हो जाया करता था, तो फिर लोग हमारे पास आके, जो बेचारे रिक्शा वाले, ठेले वाले, जो दूसरे लोग मजदूर सामने काम करने वाले, वो बेचारे इंतजार करा करते थे जब कुछ खाना लगे। कभी एक दिन तबीयत मेरी ख़राब हो, नहीं लगा पाया, तो बेचारे वो सब वहीं बैठे हुए थे, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन का। तो फिर मैंने शाम को उसको फटाफट खाना मंगवा के लड़के को, मैं नहीं जा पाया तो लड़के की ड्यूटी मैंने लगाई, क्योंकि उस टाइम लोग घर से निकल नहीं रहे थे, डरे हुए थे हर लोग, हर आदमी निकलता नहीं था। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं 5-7-10 लोग हमारे जो थे वो बेचारों ने सब ने उसके अंदर मिलकर मदद करी। अमन जी थे, विनीत थे, हरचीज जी थे, रेनू स्तोगी जी थी, सब लोग हमारे बेचारे सब लोग उसमें लगे रहे और हमने सब ने मिलकर उसके अंदर काम किया, सेवा करी। पर इसलिए नहीं करी कि हमको कोई क्रेडिट लेना था, इसलिए करी कि एक सामाजिक काम है और इस टाइम लोग हमारे दुखी में हैं, तो अगर हम किसी के लिए सेवा करके आगे कुछ काम कर सके तो हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कॉलोनी के लोग भी आए, कॉलोनी के लोगों ने भी तो अपना मदद करनी चाहिए कि आप हमसे करिए, हमने कहा मैं जो भी आप भेजना चाहें यहाँ भिजवाइए। देश को चलाने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे हम, तो आज तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस ने बड़ा सम्मान दिया हर जगह पर। मैं यूथ कांग्रेस में भी रहा, मैंने जिले में भी काम किया, यूथ कांग्रेस के ब्लॉक पर भी काम किया, जिले का अध्यक्ष भी रहा यूथ कांग्रेस का मैं चांदनी चौक का। मैंने यहाँ पर आकर फिर मैंने यहाँ पर काम किया, यहाँ पर मैं ब्लॉक में भी रहा, जिले में भी रहा, प्रदेश में भी रहा, प्रदेश में सेक्रेटरी रहा मैं, और उसके बाद कई अध्यक्षों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने पार्टी के लिए काम किया। मैंने किसी विशेष आदमी के लिए काम नहीं किया कभी, कि ये विशेष आदमी है इसके लिए काम करना है, मैंने विशेष आदमी के लिए काम नहीं किया। प्यार किसी से जरूर होता है आपको क्या प्यार है, लेकिन पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ, पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आया, हमने उसके लिए काम किया। शीला जी जिस टाइम आई थी उस टाइम हालत क्या थी, कौन सी बसें चलती थी, कौन सी गाड़ी चलती थी, किस तरह से शीला जी ने उन चीज़ों को बदला, किस तरह से हमारे लोगों ने उनको बदला, किस तरह से उन लोगों ने आगे लेकर गए, किस तरह डॉक्टर वालिया जी ने हमारे किस तरह से फ्लाई ओवरों का जाल बिछाया, किस तरह डॉक्टर वालिया ने हॉस्पिटलों में हॉस्पिटल बनाए, आज हॉस्पिटल बने हैं, आज कोरोना के अंदर वो काम आए ना। और आज पार्टी ने हमें बड़ा सम्मान दिया, काउंसिल का चुनाव भी लड़ा, MLA चुनाव भी मैंने लड़ा, जीतना हारना एक अलग बात होती है, लेकिन आप समाज में पार्टी ने आपको सम्मान दिया उसके लिए हम पार्टी के बड़े शुक्रगुजार हैं, पार्टी का धन्यवाद करते हैं। मेरे आइडियाज उस मिशन तो सभी हमारे जो लीडर थे उसमें रहे, मैंने काम किया, रामबाबू शर्मा जी थे हमारे, जो उनका नज़रिया था, अच्छी सोच थी, किस तरह अपने वर्कर के लिए काम करना चाहते थे, वो नज़रिया हमारा होता है कि हम जो हमारे पास आए हम उसकी सेवा कर सकें। हर चीज़ आदमी सेवा, आप हर आदमी काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ जो भी आदमी लेकर आता है वो नहीं हो पाता, तो जहाँ पर हम जितनी मदद किसी कर सकते थे या कर सकते हैं, तो आज भी हम कोशिश करते हैं कि भाई किसी कोई आदमी हमारे पास आया है, कोई उम्मीद लेकर आया है, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो करनी चाहिए हमको। आगे लक्ष्य यही है कि मैं जो समाज है हमारा जिसकी मुझे सेवा करने का मौका मुझे लोग देंगे तो मैं सेवा कर रहा हूँ, जो कर भी रहा हूँ वो आगे करता भी रहूँगा। बाकी फिर तुम्हारा सीमित दायरा होता है, सीमित दायरे के अंदर आप जितनी कर सकते हो आप उतनी कर सकते हो, लेकिन वैसे आप जितनी मदद कर सकते हो, वो बनने के बाद में एक इलेक्ट्रिक मेंबर होते हो तो एक अच्छी सेवा मौका मिलता है, और लोगों ने मैं समझता हूँ देखा भी है जो हमने काम किया, और फिर लोग कहते भी हैं कि हमने काम किया है, लेकिन पार्टी ठीक नहीं राजू की, समय ऊपर नीचे आते रहते हैं, लेकिन पार्टी को छोड़ कर जाना या उसको करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, और पार्टी के अंदर हमें काम करके काम करना चाहिए, और समय आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम बाकी सेवा कर ही रहे हैं जो हो रही है हमसे।
मेरा सुबह सैर करना, दोस्तों के साथ में शाम को पार्टी वार्टी जो होती है मिल गए बैठ गए, बातें बातें होती हैं उनके साथ बैठकर, और क्रिकेट खेलने का शौक था लेकिन अब तो वो नहीं हो पाता, बैडमिंटन खेल लेते हैं छोटा मोटा थोड़ा पार्क में जाके होता, तो भाई ये छोटी मोटी हॉबी है, बाकी तो बिजनेस कर रहे हैं और उसमें बिजनेस में लगे रहते हैं तो बाकी टाइम मिलता है कम ही है। जीवन में बड़ी सारी चुनौतियाँ आई, उतार चढ़ाव बड़े आए, बड़ा कुछ देखा हमने जीवन के अंदर, और भगवान उसको हमेशा साथ देता है। भगवान को हमेशा याद रखो, भगवान के साथ में हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग जो है ना राजनीति भावना बहकर, मैं समझ तो दिखा है मैंने, राजनीति भावना बहकर उसको गलत मोड में ले चले आते हैं। राजनीति आप करो जितनी मर्जी करिए लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म सबका अपनी अपनी जगह पर है, तो मैं कहता हूँ सब धर्म एक हैं और सब धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए। धर्म को अपनी तरह रखना चाहिए, राजनीति को अपनी जगह चलना चाहिए, राजनीति हमेशा विकास की होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुरुद्वारों में मंदिरों में कई स्थानों पर जाने का मौका मिला और मैं कई उसमें बाहर भी गया, तो कई गिरजाघरों में भी बड़े बड़े देखे मैंने, विदेशों में भी उसमें भी जाने का कई बार मौका मिला। वैसे तो मैं अमृतसर हर महीने जाता हूँ, वृंदावन हमारा टीम है उसमें हर महीने जाया करते थे। वृंदावन पीछे एक बार एक मौका मिला था लॉकडाउन के बाद में, और मैं अपने गुरुद्वारे के पाँचों तखत जो हमारे तखत होते हैं पाँचों वो मैंने पूरे किए, जैसे अमृतसर था, आनंदपुर साहिब है, पटना साहिब है, हजूर साहिब है, दमदमा साहिब है, ये हमारे पांच तखत हैं सिखों के, जो हर सिख को उसकी मान्यता होती है कि पूरा करना चाहिए, जाना चाहिए, और मुझे जाने का अवसर मिला। भगवान ने मेरे पर कृपा करी और मैं उसको दर्शन करके आया। करतारपुर साहिब अभी हम गए, सब मेरे सब यहाँ के परिवार के लोग, काफ़ी लोग साथी हमारे सब गए और वहाँ सब दर्शन करके आए। इसमें एक इत्तेफाक हुआ कि इसमें मेरी वाइफ दर्शन नहीं कर पाई, वो सबको लेकर गई प्रेयर के, और उसमें उनको मौका नहीं मिला जाने का क्योंकि उनका वीज़ा नहीं लग पाया। किस्मत की बात होती है, ये इतने लोगों ने भेज दिया लेकिन आप बाहर बैठ कर सब पर वेट करती रही हो, ये भी एक बड़ी बात है। वैष्णो देवी मंदिर हमारे बिना जाया करते थे, तो मैं साल में 5-6-7 बारी चला जाया करता था उसमें, हमारा ग्रुप है उसमें, वो भी अभी टूटा पड़ा, अब वो ग्रुप शुरू हो गया हमारा, तो मुझे अब जाना है, मैंने बनाया प्रोग्राम कि मैं इसमें अप्रैल में उसमें जाऊँगा। शिरडी साईं बाबा मंदिर में जाया करता हूँ, उसमें भी साल में 2 बारी चले जाते थे। द्वारकाधीश में गया, बालाजी मेहंदीपुर बालाजी वहाँ पर बड़ा हम जाया करते थे, साल में 3-4-5 चक्कर लग जाया करते थे, क्योंकि मुझे हनुमान जी का बड़ा सानिध्य और हनुमान जी के से मैं एक दिल से लगाव है मेरा उनके प्रति, और वो हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता है, और हर मंगलवार तो वैसे मैं मंदिर जाते जाता हूँ, किसी मंदिर जाऊँ, मरगट वाले मंदिर जाऊँ या कराटपस वाले मंदिर जाऊँ या अपने पास के मंदिर में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ दूर जाता हूँ मैं उसमें। तिरुपति बालाजी जाने का मौका मिला, रामेश्वर जाने का मौका मिला, शनि सिंगनापुर जाने का मौका मिला, त्रिमंकेश्वर मंदिर जाने का मौका मिला, जगन्नाथपुरी जाने का मौका मिला, बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें भगवान ने बड़ी कृपा करी, अपने दर्शन दिए और अपना आशीर्वाद दिया, आगे चलता है और आगे बढ़ता है, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं होता। मैं यही मानता हूँ कि भगवान सब एक हैं और उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, हमारे दिलों का मानने फ़र्क हो सकता है, भगवान हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिखों का हो, ईसाई का हो, हमारे मानने के ग्रंथ अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी भावनाएं सबकी एक हैं, भगवान एक ही है, हम सबको एक ही मानते हैं और भगवान के आगे सब जाके अरदास करते हैं। किसी धर्म ग्रंथ के अंदर नहीं लिखा कि किसी भी धर्म के बारे में बुरा बोलो, किसी धर्म को बुरा कहो। चमन जी का मैं शब्द सुनता रहता हूँ, अरबन सिंह जगाधरी वाले थे वो बड़ा अच्छा शब्द अपना गाते हैं, और एक डॉक्टर उड़के हैं वो बड़ा अच्छा, उनको उनसे इंस्पायर होता हूँ मैं, क्योंकि वो बात करते हैं और बड़ी समझदारी की और बड़ी सूझबूझ की बात करते हैं, वो किस तरह बातें करते हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं जो धर्म के बारे में अच्छी बातें करते हैं, जो समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। कुछ लोग जो हैं वो अपने भाषणों से समाज को तोड़ने की बात करते हैं, एक धर्म की बात करते हैं, कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए हमको। कोई बोले राम राम कोई अलाए, ये बड़ा अच्छा शब्द है, कोई बोले गुरसैया कोई अलाए, ये शब्द जो है सबके लिए है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि कोई राम राम बोलता है, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई खुदाई बोल रहा है, सबका अपना अपना मानना है। आज आप देखिए ना, जो हमारे अपना अमृतसर है दरबार साहब, जिसको बड़ा मान्यता है वहाँ पर, उसकी नींव जो रखी थी एक मियाँ मीर ने रखी थी, गुरु नानक देव जी जो चलते थे उनके साथ में बालाजी चला करते थे, मर्दाना जी चला करते थे। मेरे मदर फादर का भी रहा, वाइफ का रहा, बच्चों भी साथ साथ अब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं, पढ़ के आए बच्चे, बाहर से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त करी, और अपना अपना सबका अपना नज़रिया है, और सबने
मिलकर सपोर्ट करिए, सब साथ चलते हैं तभी सपोर्ट होती है। परिवार सब इकट्ठा रहे, परिवार के साथ लोग साथ में रहे, परिवार के लोगों साथ में, यहाँ के समाज के लोगों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया और बड़ा कोऑपरेट करते हैं। वाइफ का नाम अमरजीत कौर है, लवली है, और वो राजनीति ज़्यादा नहीं करते थे, पीछे वो सीट हो गई यहाँ लेडीज़, तो वो चुनाव लड़ने की बात आई तो मैंने उसको मना किया, मैंने लोगों से बोला, अपने लोगों को बुलाया मैंने, भाई आप लोगों से कोई लड़ना चाहे तो लड़ी, क्योंकि लेडीज सीट है, तो बोला नहीं ये भाभी की लड़ाओ, तो मैं कहा वो तो लड़ना चाहती नहीं है, वो मना कर रही हैं। तो फिर कुछ लेडीज़ जो थी हमारी पार्टी की, तो वो सब उनके पास गई, नहीं नहीं आप लड़िए, आप हम साथ चलेंगे, वो करेंगे, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे। अब लेकिन मैंने काम तो बहुत किया था, लेकिन वो किस भावना में या किस उसमें मामला हुआ अब मुझे पता नहीं है। आज लोग कह भी रहे हैं कि भाई कहीं ठीक नहीं हुआ, चलो जो भी हुआ, और हमने इलाके में क्षेत्र में जितना हो सकता था हमने उतना काम करने का प्रयास किया, और किया भी हमने, और लोग उसको सराहते भी। आज एक बड़ा बेटा है मेरा, जसप्रीत है, उसकी शादी हो गई, 6 साल हो गए, उसका बेटा है 5 साल का है मेरा, उसका नाम दिलराज सिंह है, उसकी दादी उसको प्यार से युवराज कहती हैं। और छोटा बेटा मेरा भी 23 ईयर का है, छोटा बेटा शिवम हरप्रीत सिंह है, और बिटिया मेरी अमनप्रीत कौर सिल्की है, जो कि वो हमारे यहाँ के बिल्डर हैं, बहुत बड़े सिक्का साहब, सिक्का बिल्डर, उनके यहाँ वो ब्याही हुई है, और अच्छा जीवन चल रहा है। दामाद मेरा गुरनीत सिंह है, और एक अच्छा परिवार की तरह सब है, सब पारिवारिक तौर में हम रहते हैं, अच्छा प्रोग्राम चलता है। दिन में मैं अपना सुबह उठा, अपना चला जाता हूँ अपना पार्क में सैर करने के लिए, घंटे घंटे दो घंटे शेयर का काम होता है उसमें देख लेते हैं, फिर मैं अपना आके कुछ लोग मिलने वाले होते होते हैं, कुछ सेवा सत्ती होगी तो उसमें कर लेते हैं, फिर नहा धो के मैं ऑफिस चला जाता हूँ, या कोई मीटिंग होता है वहाँ जाना हो तो वहाँ चला जाता हूँ, या ऑफिस चला जाता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ 5-6 बजे 7 बजे तक, तो वहाँ पर बैठ के अपना काम हम जो होता है हमारा करते रहते हैं। हम प्रॉपर्टी का बिजनेस है मेरा, बिजनेस उसका शेयर का काम है, तो ये छोटे मोटे काम करते रहते हैं और समाज की सेवा में लगे रहते हैं, इस तरह से दिन व्यतीत होता है। और शाम को मैं गुरुद्वारे चला जाता हूँ, गुरुद्वारे से घर आके खाना खा के सो जाते हैं। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर रहे, और उन्होंने शुरू से हम काम समाज में सेवा करते रहे, जिस तरह से हम उनको दिखा कर किस तरह जो भी लोगों की बातें थे, किस तरह से उनकी सेवा करनी, किस तरह उनके काम को काम के लिए अपना स्कूटर उठाना, उनके साथ चले जाना, थाने में कोई बात हो तो उसकी मदद कर देना, कहीं और काम हो तो उसके लिए काम के लिए मदद करना, तो वो सबकी मदद करते रहते थे। और उसी से हमने फादर से मैंने अपनी प्रेरणा ली है। और एक वैसे भी मैं समझता हूँ कि इंसान की इंसानियत बनती है कि अगर कोई आदमी मजबूर है और परेशान है तो हम उसकी अगर सेवा कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए उसकी सेवा, कोई भी हो इंसान। देखिए लाइफ तो भगवान ने लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है ये भगवान ही जानता है, लेकिन भगवान का शुक्रिया करना चाहिए हमेशा, भगवान को उठते सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि शुक्र है आपका कि आपने जो भी हमको दिया है, आज हम इस लायक भी नहीं थे, के लिए इतनी इतनी सेवा, इतना प्यार आपने, इतना मान सम्मान आपने दिया, जिसके लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। और जब उसने जाना है ले जाना है तो उसको पता भी नहीं चलना, क्योंकि जैसे मैंने देखा मैंने ब्रदर की अभी किस तरह से डेथ हुई, तो मैं मेरे फादर की जब डेथ हुई तो मैं वैष्णो देवी पर था, तो मैं उनसे मिल भी नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर उस टाइम फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो फिर भी मुझे वहाँ मैसेज मिला मिलिट्री के थ्रू, तो वहाँ पर फिर मैं वहाँ से चला, लेकिन उस टाइम को साधन नहीं मिल पाया, गाड़ी चला दूसरी गाड़ी ख़राब हो गई, रास्ते में आया दूसरी गाड़ी ख़राब हो गई, 2-3 गाड़ियाँ बदल ली, फिर पहुँचे यहाँ पर, जब तक वो नहीं मिल पाया। तो ये जीवन में समय का कुछ नहीं पता, हमारे वाणी में लिखा हुआ है क्या जाना किब मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब ने विसरे सहला मरना होए, इंसान को कुछ नहीं पता, ये तो भगवान ने लिखा हुआ है, कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये कुछ नहीं पता किसी को, सब भगवान जानता है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए, और इंसान को हमेशा मौत से डर कर रखना चाहिए, और सच्ची सेवा के अंदर, सच्ची सोच के अंदर रखना चाहिए, किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए, हर इंसान से प्यार से मोहब्बत से रहना चाहिए। फिल्म को पहले तो बड़ा शौक था, पहले तो फिल्म देखने जाया करते थे, लेकिन अब इतना टाइम नहीं मिल पाता कि फिल्म जा पाए, और 1 साल से तो बिल्कुल ही फिल्म तो बंद ही हो गई, सब घर पे जो थोड़ा बहुत टीवी भी देख लिया, घर पे आओ तो फिर न्यूज़ भी चल जाती है, न्यूज़ देख लेते हैं। धर्मेंद्र की फिल्म थी आँखें, मैं उसको कई बार देख चुका, मैं तो शोले भी देखी, आँखें जो है वो क्योंकि देश के ऊपर फिल्म है, उसको जो देश के ऊपर फिल्म बनी वो मैंने वो बड़ी देखी, और मनोज कुमार जी की फिल्में आती थी उसको बड़ा मैं उसको शौक होता था देखने का, आज भी कोई लोग आती है तो पहले उसको देखते हैं, देश के ऊपर फिल्म जो होती है उसको उसको मैं बड़ा मुझे बड़ा शौक होता है उसको देखूँ। ट्रैवल का तो मुझे बहुत शौक है ट्रैवल, लेकिन वो अब टाइम कम मिल पाता है, ट्रैवल का तो बड़ा शौक था पहले, तो
पहले तो बहुत जाया करते थे, मैंने काम भी किया उसमें, पहले हम जाया करते थे सिंगापुर, हिंदुस्तान में काफ़ी जगह गए, काफ़ी जगह जाते रहते हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल, मंदिरों में जाने का मुझे मंदिर में गुरुद्वारों में जाने का बड़ा शौक़ है, जहाँ पर कि वहाँ पर धार्मिक स्थल कौन से हैं, किस तरह हैं, उसमें बड़ा रहता है। राजीव गांधी जी के साथ में हमें उस टाइम में काम करने का मौका मिला, और राजीव गांधी जी की सोच होती थी वो बड़ी अच्छी सोच थी, राजीव गांधी जी हमारे लीडर थे, मैं उनको मानता था। इंदिरा जी भी रही, इंदिरा जी के टाइम फादर साथ में जाके मिलने का मौका मिलता था, इंदिरा जी से भी मिले हम कई बार मिले, और राजीव गांधी जी तो जो थे वो बहुत अच्छे लीडर थे, और राजीव गांधी जी की जिस तरह की मौत हुई वो हमें उसका बड़ा दुख है। सोनिया जी बड़ा कोई त्याग देने वाला आदमी नहीं है, अगर सोनिया जाती तो प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे एक सूझवान आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और जिस तरह से जिस टाइम उस टाइम इकोनॉमी जो देश की चल रही थी, किस तरह से वो देश की इकोनॉमी को ऊपर लेके गए। आज देश की इकोनॉमी कहाँ चल रही है, नकली चीज़ें जो आ रही हैं, नकली बातें जो कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। आज देश को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस के विज़न की ज़रूरत है, कांग्रेस के पास एक विज़न है, कांग्रेस में काम करने की सोच है, कांग्रेस के पास में एक अच्छा नज़रिया है काम करने का, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ये जो आज देश को आगे ले जा सकती है। लोग समझे ना समझे, मैं समझ रहा हूँ आज लोगों के अंदर मन के अंदर भावना आ रही है, धारणा आ रही है, तो उसको लेकर जाएंगे। कांग्रेस के पास बहुत सारे लोग हैं, प्रियंका गांधी जैसी हैं, सोनिया जी हैं, और बहुत सारे लोग कांग्रेस के पास हैं, और जब राजनीति में राजीव जी की दत्त के बाद अपना आराम से बैठ गई थी वो, लेकिन राजनीति स्तर हमारा नीचे जाता चला गया, तब उनको आना पड़ा, और सोनिया जी ने जिस तरह से आकर पार्टी की कमान संभाली और पार्टी को 10 साल विकास की राजनीति करी, सेवा की भाव की राजनीति करी, वो काम सोनिया जी ने किया, वो सबसे बड़ा इंस्पायर करने वाला काम होता है, किसी बिना भेदभाव के। राहुल जी जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, और वो जुड़ कर काम करना चाहते हैं, नीचे लोगों पर जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, किस तरह से लोगों के बीच बैठ कर बात करते हैं। राहुल जी का जो सपना है आगे ले जाने का देश को, वो एक सच्ची सोच है। देखिए, मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि आज जो लोगों को गुमराह करने का काम चल रहा है वो व्हाट्सएप पर चल रहा है, तो व्हाट्सएप पर ना जाकर पिछले इतिहास की तरफ जाइए आप, और इतिहास उठा के देखिए कि इस देश के अंदर सुई नहीं बना करती थी, आज इस देश को आगे जो लाकर देश को यहाँ खड़ा किया है वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है, तो आपको कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर आज उनको देश को आगे ले जाना चाहिए। और मैं युवा पीढ़ी से एक और बात कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को राजनीति के अंदर आना चाहिए, आज युवा पीढ़ी राजनीति में नहीं आना चाहती है, युवा पीढ़ी को राजनीति में आना चाहिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए सच्ची सोच की, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है आज, आज उन लोगों की जरूरत नहीं है जो देश के अंदर उसको काम खराब करना चाहते हैं, जो लोग बिक जाते हैं उनकी जरूरत नहीं है, देश के अंदर युवा शक्ति की जरूरत है, और युवा शक्ति को आगे आना चाहिए। We are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel